नमस्कार साथियों, राजस्थान में फ़िलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हेतु प्रक्रिया चल रही है। एग्ज़ाम्स की डेट भी लगभग फिक्स हो गई है, परंतु अभ्यर्थियों का एक वर्ग काफ़ी दिनों से मुख्य परीक्षा से पहले स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सेट परीक्षा के आयोजन करवाने हेतु प्रयासरत रहा था। इसी श्रृंखला में कल सदन में सेट परीक्षा के आयोजन को लेकर काफ़ी वाद विवाद हुआ। इसको लेकर विधानसभा में हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपनी मांग उठाई। उन्होंने क्या क्या कहा, बांसुर विधायक श्रीमती शकुंतला जी रावत ने क्या कहा, मंडावा विधायक सुश्री रीटा चौधरी जी ने किस प्रकार सदन में अपनी मांग रखी, चाकसू विधायक श्री वेद प्रकाश जी सोलंकी ने भी किस प्रकार सेट परीक्षा को लेकर करौली और भरतपुर के जाट बंधुओं की बात सदन में किस प्रकार रखी, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सूचना यदि आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, लाइक इसको वीडियो को लाइक करें। और यदि आप चाहते हैं कि सेट परीक्षा का आयोजन हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। तो साथियों, कल बांसुर विधायक श्रीमती शकुंतला जी रावत ने ये कहा कि कॉलेज आचार्य भर्ती परीक्षा होने वाली है तो उसमें सेट की परीक्षा को भी क्वालिफाइंग माना जाता है, तो यदि कॉलेज लेक्चर परीक्षा होने से पहले सेट की परीक्षा करवाई जाए तो उन्होंने कहा कि इसे नियमित रूप से सेट परीक्षा पहले से होती आ रही है, लेकिन पिछली सरकार ने पता नहीं क्यों किस कारण से इस परीक्षा को बंद कर दिया था, लेकिन अब आचार्य भर्ती परीक्षा होगी उससे पहले सेट परीक्षा यदि करवाई जाती है तो राज्य के बेरोज़गार युवाओं को इससे हेल्प मिलेगी। बाद में अन्य एक एमएलए साहब ने संबोधित करते हुए कहा कि माननीय सभापति महोदय, युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए आरपीएससी कॉलेज लेक्चर परीक्षा से पहले सेट परीक्षा का आयोजन किया जाए। महोदय, पहले नियमित रूप से सेट परीक्षा का आयोजन करवाया जाता रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस सेट परीक्षा को बंद कर दिया गया है। अंतिम बार सेट परीक्षा का आयोजन 2013 में किया गया था। चूँकि सेट परीक्षा सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा की योग्यता में शामिल है, इसलिए सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के आयोजन से पहले सेट परीक्षा का आयोजन किया जाना अति आवश्यक है। सेट परीक्षा देश के कई राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना व अन्य राज्यों में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा से पहले आयोजित करवाई जाती है। अतः आपसे मेरा ये निवेदन है कि राज्य में भी सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा से पूर्व सेट परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। वे युवाओं में जो सहायक आचार्य बनने का सपना देख रहे हैं उनको राहत प्रदान करने की कृपा करें, जिससे एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तथा अन्य आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को लाभ प्राप्त हो सके। उधर मंडावा विधायक सुश्री रीटा चौधरी जी ने भी सेट परीक्षा के आयोजन को लेकर युवा वर्ग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इसके पास कुछ अभ्यर्थी अपनी परेशानी लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर सहायक आचार्य की परीक्षा होने जा रही है, जिसे 2013 के बाद सेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ, बावजूद इसके सहायक आचार्य की परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। साथ ही इसके अंदर हमारे जो आरक्षण है, एमबीसी का आरक्षण है, धौलपुर और भरतपुर के जाटों का जो आरक्षण है वो नेट पे लागू नहीं होता, और 55% के अंदर का जो क्राइटेरिया वांछित है वो पूर्ण नहीं करते, अतः 55% मार्क्स पे ही नेट दे सकते हैं। इसलिए सदन से मेरा अनुरोध है कि सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा से पहले सेट परीक्षा का आयोजन करवाया जाए ताकि हमारे स्थानीय युवा वर्ग को इसका लाभ मिल सके। उधर चाकसू विधायक श्री वेद प्रकाश जी सोलंकी ने भी सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा से पहले सेट परीक्षा के आयोजन करवाए जाने हेतु पुरजोर शब्दों में सदन में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की तरफ खींचना चाहता हूं कि जो सहायक आचार्य भर्ती से पहले सेट परीक्षा आयोजन हो, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली नेट परीक्षा में हमारे जो भरतपुर और धौलपुर के जाट समुदाय के बंधु हैं उनको आरक्षण दिए नहीं है, अतः हमारे यहाँ पर पिछले 8 साल से सेट परीक्षा की आयोजित नहीं हुई। इसकी वजह से हमारे वहाँ के जवान नौजवान साथियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, यहाँ तक कि उनको परीक्षा में बैठने का मौका तक नहीं मिल रहा है, अतः
मेरी सदन के माध्यम से आपको करबद्ध निवेदन है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से पूर्व सेट परीक्षा का आयोजन करवाया जाए तो प्रदेश के युवा वर्ग में को लाभ मिलेगा। इस प्रकार काफ़ी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक महोदय हैं, उन्होंने सदन में बात रखी है और उम्मीद की जा सकती है कि सेट परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से पहले निश्चित रूप से होगी, लेकिन कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। आप लोगों को अपनी पढ़ाई जो है वो नियमित रूप से रखनी है और यदि परीक्षा आगे बढ़ती है, सेट परीक्षा से संबंधित कोई नोटिफिकेशन हमको मिलता है तो हम आपको तुरंत चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें।